बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है, और ये मैदे के लिए और पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम आए हैं अमरूद के बाग में आए हैं, और यहाँ से हम ताज़ा अमरूद तोड़ के लेके जाएंगे और इसकी मज़ेदार सी चटपटी चटनी तैयार करेंगे। तो अमरूद जो हम तोड़ेंगे वो ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पक्का भी नहीं होना चाहिए, खट्टा मीठा सा अमरूद तोड़ेंगे। तो एक अमरूद पे मेरी नज़र पड़ी है, और ये देखें, इसको मैंने हल्का सा ही टच किया है और ये खुद ब खुद अलहदा हो गया। और इस तरह का अमरूद हमें चाहिए, दो अमरूद हम और लेंगे इस तरह के। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और प्यारे अमरूद हैं। तो दो हम और तोड़ लेंगे, दो हमारे पास हैं, दो हम और तोड़ लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये एक और हमें अमरूद मिल गया, उस तरह का, इस तरह का ही हमें चाहिए। तो जनाब अब हम चलते हैं और ज़बरदस्ती चटनी तैयार करते हैं। उसके लिए हमें दो लेमन भी चाहिए, वो भी हम यहाँ से तोड़ लेते हैं और वहाँ से दो लेमन भी हम तोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मज़ेदार सी अमरूद की चटनी बनाना। सबसे पहले अमरूद जो हैं उनको हमने अच्छे से धो लिया, तो इनको काट लेंगे और छिलके समेत ही काट लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर चाहें आप तो छिलका उतार भी सकते हैं, लेकिन छिलके का ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, जो अमरूद हमने बाग से तोड़े थे वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखें कितनी आसानी से ये कट रहे हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये तमाम चीजें। अच्छे से कूटने के बाद अब हम सब्ज धनिया जो है बारीक बारीक शामिल करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सकें।
अब हम ताज़ा पुदीना शामिल करेंगे। इसके पत्ते शामिल करेंगे। अब हम करेंगे सब्ज मिर्च शामिल। और साथ इसमें जाएगा ये काला नमक है वाइट में, और ये जाएगा अगर आपके पास ब्लैक में हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक लेमन भी इसमें जाएगा। लेमन जो है इसका बीज हम निकाल लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे। और ये मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, और मेरे के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये हमारी मज़ेदार सी अमरूद की चटनी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। ना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।